स्वामी जी, आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उस युग के अंदर जी रहे हैं, तो आज का जो ये वैज्ञानिक युग है, उसके अंदर आदमी की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है, उस बुद्धि का उपयोग कहिए दुरुपयोग करके वह अपना कभी भी दोष स्वीकार नहीं करता है और दूसरे को दोषी बताता है, यानी दुनिया को निर्दोष देखने की उसकी दृष्टि जो है जाती नहीं है। पूरे जीवन भर वो दूसरे के दोष जो देखता रहता है, मरता रहता है, और उसकी बुद्धि ये कराती रहती है। तो हम इस हमारे इस कार्यक्रम जो अध्यात्म विज्ञान से, आर्ट ऑफ विजन से, हमारे श्रोताओं को, लोगों को किस तरीके से दृष्टि दें कि भाई आदमी व्यक्ति अपने दोषों को ज्यादा देखे तो समाधान मिल सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा खुला कीजिए, प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहली बात यह है कि जीवन के अंदर आम आदमी, सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन में ये आर्ट ऑफ विजन का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो पहली बात यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको हर परिस्थिति के अंदर एक प्रयोग करना है, और वो भी प्रयोग कैसा है, दृष्टि से करना है। कि कोई भी संजोग आता है मन के लेवल पर, विचारों के लेवल पर, तो हमको हम इससे कैसे अलग हो सके, क्योंकि विचार वो जड़ है और चेतन हम हैं। अगर विचारों के साथ हम जुड़ जाते हैं तब विचार चेतन बन जाते हैं और इसीलिए हमको इफेक्ट होती है। तो विचारों को बाईपास करते रहो, क्योंकि हम चेतन है, विचार चेतन नहीं है। और जो विचार आते हैं वो जाने के लिए आते हैं, वो रुकते नहीं है, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसीलिए हमको इफेक्ट होती है। सेम अगर हमारे मुंह से कुछ जबान में से कुछ निकल जाता है, या दूसरे के व्यक्ति के जबान में से कुछ निकल जाता है, उस समय हमको ऐसा लगता है कि ये मैंने बोला या तो ये उन्होंने बोला। ये लगने से हम किसी को निर्दोष देखना चाहेंगे तो भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो सही नहीं है। संजोग तो सही है, क्योंकि वे आपका उदय कर्म है, उनका बोलने का, आपका सुनने का, या तो आपका बोलने का और सामने वाले व्यक्ति का सुनने का, एक संजोग है, और संजोग आप लेके आए हो, मगर संजोग को देखने की जो कला है वो आर्ट ऑफ विजन है। तो ये संजोग को हम कैसे देखें, कि भाई हम जो भाषा बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, या तो सामने वाला जो बोल रहा है वो हम सुन रहे हैं, तो ये दोनों की जो भाषा है वो कर्मों के वश है। क्या है, कर्मों के वश। और मैं अपने मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, न मैं बोलने वाला हूं न मैं सुनने वाला हूं, ये मन वचन काया का स्वभाव है। तो मन वचन काया अपने स्वभाव से ही चलेगा, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमने पहले बता दिया है। तो इसीलिए उसको उससे अलग रहना ये बड़ी बात है। तो इसीलिए जैसे हमने माइंड की बात बताई, स्पीच की बात बताई, ऐसे ही एक्शन है। एक्शन में भी कोई भी क्रिया हम करेंगे उनका असर सामने वाले को होगा, और सामने वाला करेंगे उसकी असर हमको होगी। वो भी उसी तरह देखना है कि क्रिया करने की स्वतंत्रता भी हमारे पास नहीं है। तो ये देखने की कला है, ये मन वचन काया को बदलने की कला नहीं है, मगर ये देखने से हम जो उससे जुड़ जाने से जो राग द्वेष होते हैं, जो दोषित दिखते हैं, और इसीलिए ईर्ष्या, वैर, जैर, कंपैरिजन, कंपटीशन हो जाती है, तो ये अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो संजोग बनता है वो तो पूरा कुदरती रचना है, वो हमारी रचना नहीं है। हम कुदरती रचना से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है।